किसी पार्टियों से हमको कोई विरोध नहीं है, जो हमारे लायक होगा हम उसको चुनेंगे। हमारे लोग की भूमिका यही है, जिसको भाजपा टिकट देगी हम लोग उसको वोट देंगे। बाकी तो आगे फिर 24 का चुनाव है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत के जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। आरक्षण की जो एक सूची थी वो जारी होने के बाद नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव की जो एक सियासत गर्मी है वो जनपदवार मच गई है। इसी क्रम में लगातार नेता अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो कोई नेता टिकट की दावेदारी कर रहा है। लेकिन आज अमेठी की हम बात करें तो अमेठी में दो नगर पंचायत और दो नगर पालिका सीट है। अमेठी नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर विगत 3 बार लगातार जो है चंद्रमा देवी यहां से नगर पंचायत अध्यक्ष थीं, लेकिन इस बार आरक्षण सूची में यहां पर सामान्य से ओबीसी सीट होने के चलते उनके चेहरे पर मायूसी छाई है, क्योंकि ओबीसी सीट होने के नाते वो यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन आज हम अमेठी में हैं और अमेठी के यहां पे लोग हैं, यहां महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हैं। इनसे जानेंगे कि आगामी जो चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों बाद नगर पंचायत अमेठी का, इसके लेकर ये क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या मुद्दे हैं। ताजी, क्या नाम है आपका? सीता देवी। चुनाव है नगर पंचायत का, तो किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं? जिस तरह चाह रहे हैं, जैसे चंद्रमा देवी ने इतना कुछ किया, स्मृति ईरानी दीदी जी ने, हमें कॉलोनी मिली, शौचालय मिला, सभी सुविधा मिल रही, उनसे हम लोग उसी तरह प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे लोग का देखभाल कर सके। जैसे अभी तक होते आ रहा, सबको सब कुछ मिल रहा, राशन पानी सब कुछ मिल रहा मोदी जी की वजह से, स्मृति ईरानी दीदी की वजह से, सब कुछ हम वैसे ही चाहते हैं। जी, जाहिर सी बात है, ये राशन और अन्य योजनाओं को लेकर ये उनकी तारीफ कर रही हैं। क्या नाम दादी आपका? सुंदरा देवी। चुनाव है कुछ दिनों बाद आपके यहाँ अमेठी में, पता है किस तरह का प्रत्याशी चाह रही हैं आप? अरे प्रसाद ही चाह रहा है यही कि जो चंद्रमा में किया था, कॉलोनी ने दिया, शौचालय ने दिया और राशन ने दिया, वही तरह चाह रहा था। तो जो यहाँ पे चेयरमैन थी जो है चंद्रमा देवी, तो उन्होंने काम उम किया है कुछ? हाँ, काम किया था। काम किया है? हाँ। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण सरोज। तो चुनाव है नगर पंचायत का और सभी पार्टियाँ अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं, आप लोग हैं निर्णायक भूमिका, आप ही लोग रहेगी, आप ही को वोट देना है, तो कैसा प्रत्याशी चाह रही हैं, क्या चल रहा है मन में, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगी आप लोग? सर, हम लोग तो वही चाहते हैं जैसे हमारे प्रत्याशी थे, वैसे हम प्रत्याशी चाह रहे हैं कि फिर वैसे भी आए, ताकि जनता को देखभाल कर सके। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ घर घर आवास मिला है, नल मिल गया है, शौचालय हो गया है, और सारी देखिए सड़क भी अच्छी क्लीन है, नालियाँ भी साफ हो गई हैं, कहीं पर कूड़ा करकट कुछ भी नहीं दिखता, हम लोग वैसे चाहते हैं। अच्छा, काम सभी हुए हैं लेकिन मन में अभी भी कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों के, चुनाव में जब वोट देने जाएंगे तो मुद्दे लेकर जाएंगी, या सभी प्रत्याशी आएंगे आपके दरवाजे तो कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगे आप? सर, हम तो वही प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारा काम किया है। जाहिर सी बात है कि जो इनके मानक पर इनके कार्यों पर खरे उतरा है, ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम दादा आपका? लल्लू प्रसाद सोनी। दादाजी, चुनाव है नगर पंचायत का या मेठी नगर पंचायत है और कहा गया है इस पर सभी की निगाह होती है, कैसा इस बार प्रत्याशी आप चाह रहे हैं, क्योंकि सीट में जो है आरक्षण परिवर्तन भी हो गया है इस बार? हम चंद्रमा देवी ने जो कुछ किया है हम उसी तरह प्रत्याशी चाहते हैं। आवाज हम देख रहे हैं किसी पार्टियों से हमको कोई विरोध नहीं है, जो हमारे लायक होगा हम उसको चुनेंगे। चंद्रमा देवी का बात आप किया, वो तो इस बार चुनाव में लड़ेंगे नहीं, तो मुद्दे तो रहेंगे ही मन में, क्या मुद्दे रहेंगे? हम स्मृति ईरानी के उसमें रहेंगे और प्रधानमंत्री भी हमारे लिए भाजपा को हमेशा चाहे हैं वही चाहेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, कहा गया युवा जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या नाम भैया आपका? छोटू। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या मन में रहेगा, क्योंकि आप लोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव में? हमारी लोग की भूमिका यही है, जिसको भाजपा टिकट देगी हम लोग उसको वोट देंगे। तो अभी तक जो यहाँ पे काम हुआ है, कहा गया नगर पंचायत यहाँ पे चंद्रमा देवी थी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, तो क्या उनके काम को लेकर कितना संतुष्ट हैं आप? वो जो काम किए हैं कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, देखा जाए तो युवाओं की पसंद है अमेठी नगर पंचायत में, अभी कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे पार्क नहीं है, पार्क को लेकर आए दिन युवा जो होते हैं उनको समस्या होती है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं? बन जाएगा वो भी, जब तैयारी हो रही है सब बनेगा। जाहिर सी बात है युवा हैं और युवा जो है वो बात अपनी रख रहे हैं कि क्या ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और भी हम कुछ बच्चे हैं उनसे जानेंगे।
क्या नाम है चुड़ू आपका? जीतू सरोज। यहाँ चुनाव है पता है, वोट तो आप दोगे नहीं, लेकिन स्कूल स्कूल पढ़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं कुछ की गई हैं? हाँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या व्यवस्था हुई है बताइए? स्कूल हम जाते हैं वहाँ, स्कूल में मतलब गंदगी नहीं रहती है, साफ सफाई रहती है, वही, और क्लास में भी साफ सफाइयाँ रहती हैं। आगे साइकिल खड़ी करने की व्यवस्था बनाई गई है, हर चीज़ की व्यवस्था है। जी, जाहिर सी बात है कि ये विद्यालय छोटे बच्चे थे जिनको वोट देना नहीं है, लेकिन इन्होंने विद्यालय व्यवस्था को लेकर बताया कि किस तरह से काम हुआ है। और भी कुछ लोगों के, भैया क्या नाम है आपका? महेश सोनी। भैया चुनाव है और आगामी चुनाव कुछ दिन बाद होना है, तो किस तरह का प्रत्याशी आप चाह रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी, हम लोग उसको चुनाव जिताएंगे, इसलिए कि हम लोगों के अमेठी में माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी दीदी स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में अमेठी में जिस तरह से लगातार विकास जारी है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं और उसी को चुनाव जिताना है जिसको पार्टी टिकट देगी अमेठी से। अच्छा, अमेठी की बात करें तो अमेठी में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी थी, समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे जीत हासिल की थी, तो कैसे देख रहे हैं ये चुनाव कंपटीशन रहेगा नहीं? देखिए, ये लगा रहता, लेकिन जहाँ तक रही बात वोट की, तो वोट हमारे बूथ पे भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीती है। रही बात विधानसभा की, तो आगे फिर 24 का चुनाव है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत के जाएंगी। जिस तरह से लगातार विकास चल रहा है अमेठी में, बाईपास हो, चाहे वो बरब्रिज हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे अमेठी की लाइटें हो, सड़क हो, सारी चीज़ों की सुविधा अमेठी को उपलब्ध है, जिस तरह से अमेठी में काम हो रहा है, इसलिए अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। चाचा क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। नगर पंचायत का चुनाव है, तो कितना उत्साह है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देंगे पूरी तरह से, तन मन धन से उसके साथ समर्पित हैं, उसका ही साथ देंगे। लगातार तीन बार से यहाँ पे कहा गया है पंचायत जो अध्यक्ष थी वो चंद्रमा देवी थी और बीजेपी से भी रही हैं, उनके कामों को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? क्या काम किया है? बहुत, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जो है साफ सफाई, कॉलोनी, अंत्योदय, फ्री में गैस सिलेंडर, जितने भी गरीबों को मतलब वो गरीबों को चाहते थे वो उनको सब मिला, सब कुछ दिया गया। अच्छा, समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे दावेदारी अक्सर रहती है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तो क्या लगता नहीं है कि नगर पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहेगी? कंपटीशन में रहेगी पर वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो पीछे ही रहेगी। हाँ। अच्छा, गांधी परिवार का गढ़ भी अमेठी रहा है और कहा गया है कभी गांधी परिवार यहां से सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी, तो क्या नहीं लगता कि उसका कुछ फैक्टर यहां काम करेगा? देखिए, इसके पहले आने वाले मतलब जो अभी जो बीत गया 15 वर्षीय, इसके पहले 15 उसके पीछे को वर्ष बता रहा हूं, जब राहुल गांधी यहां से सांसद थे, जो भी थे, जो है अमेठी उनका गढ़ माना जा रहा था, विकास के नाम पर उन्होंने कोई भी काम अमेठी के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का ये तो घर है, जो व्यक्ति अपने घर में संतुष्ट नहीं रह सकता वो दूसरी जगह कैसे संतुष्ट रहेगा? जाहिर सी बात है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या नाम है? कमल अग्रहरी। युवा हैं आप और चुनाव में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? चुनाव में मुद्दा जो भी रहेगा, जो कि सारा काम हो चुका है लेकिन कुछ काम बाकी है, तो प्रत्याशी उसी को चुना जाएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, उसी को जिताया जाएगा। कुछ बहुत हमारी सरकार मतलब कि सरकार बाबा जी की है तो ठीक है, लेकिन जो है बढ़िया है, चल रही है, जो भी काम आता है सब काम होता है। अच्छा, क्या लगता है, अभी आपने बताया कि कुछ काम रह गए हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे चेयरमैन भी थी, तो काम अधूरे रह गए, कैसे रह गए कुछ इस पर? लगातार जो है विकास चल रहा है, अब काम है, अब तो एक साथ तो हो गए नहीं लेकिन हल्का हल्का होगा ना, काम तो चल ही रहा है, लगातार काम चल रहा है, लगातार विकास हो रहा है, काम में कोई रुकावट नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहा है। ऐसे क्या कुछ जरूरी काम है अमेठी में जो महत्वपूर्ण है, जो अमेठी के लिए जरूरी है, क्या मन में आपके क्या है? जरूरी जो था वो सब बन चुका है, बाकी सब हो गई, सब रोडें बनी हैं, सब सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, हर जगह गंदगी कहीं नहीं है, बाकी सब ठीक है, लगभग बढ़िया सब चल रही है। जाहिर सी बात है। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, लेकिन कैमरे के सामने लोग आने को भी कतरा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे इनसे जानने का कि इनके मन में क्या है। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गेश सोनी।
अमेठी में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां, आप लोग के मन में क्या तैयारियां? हमारे मन में तैयार है हमारा प्रत्याशी ऐसा जो हमारे नगर का पूर्णतः विकास के लिए तैयार रहे, समर्थन के लिए तैयार रहे, लोगों के लिए जरूरत पड़ने के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हाँ, तो ऐसा सभी प्रत्याशी यहाँ आएंगे और विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी रहेंगे, दावेदारी सब करेंगे और सब एक से एक लुभावने वादे भी करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो आप लोग क्या मन में रखते हैं कि किन मुद्दों पर अगर हमारा प्रत्याशी रहेगा तो हम चुनेंगे? देखिए, वादे सब करते हैं, काम सब नहीं करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कांग्रेस बहुत सालों से रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन काम नहीं हुआ। काम हो रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा। आप सांसदीय चाहे देख लीजिए, चाहे नगर देख लीजिए, चाहे विधायकी देख लीजिए, पूरा क्षेत्र आप सड़क देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं, और जो देखना है विद्यालय बना हुआ है अमेठी में वो भी देख सकते हैं आप। अमेठी पूरी तरह से जगमगा रही है हमारी चेयरमैन चंद्रमा देवी के नेतृत्व में। विधायक की बात किया कि विधायक नीति से भी काम हो रहा है, विधायक तो अमेठी से समाजवादी पार्टी की हमारा जी प्रजापति, क्या काम से संतुष्ट हैं? विधायक से नहीं, मतलब हमारे भाजपा सरकार जो है विधायक को नहीं देखती है, वो विकास लगातार भाजपा सरकार कर रही है, उसका काम है विकास, वो विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार जो है हमारी मोदी और योगी के नेतृत्व में, वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप चंद्रमा जो थी यहाँ पे जी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, उन्होंने काम भी बहुत से किया क्योंकि लगातार 3 बार थी, इस बार टिकट नहीं मिली, मायूसी है, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो काम किया था जनता उनसे संतुष्ट है? पूर्णतः उनसे जनता संतुष्ट है, उनके हर काम से जनता संतुष्ट है। जनता चाहती थी वो आगे आए, अब सीट बदल गई है तो अवसर भी दूसरों को मिलेगा, ये दूसरी बात है, लेकिन चंद्रमा देवी से जनता पूर्णतः संतुष्ट है। जी, जाहिर सी बात है, ये अमेठी के लोग थे जिन्होंने आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर अपने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन आपको अमेठी से बता दें तो यहाँ पे लगातार 3 बार से नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी जो थी वो उस बार उनको मायूसी मिली है और सीट जो है ओबीसी होने के चलते वो इस बार चुनाव में दावेदारी नहीं कर रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वो किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रत्याशी को चुनाव में दावेदारी करा सकती हैं। लेकिन अब देखने वाला समय ही बताएगा कि अमेठी के लोग नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसको चुनते हैं और यहाँ पे कौन कौन से विकास के कार्य होते हैं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।